हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब सही होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कुछ चीज़ें जो मैंने बनाई हैं थर्माकोल। थर्माकोल जैसे कि आप सब लोग जानते ही होंगे क्या चीज़ होती है, उससे कुछ चीज़ें मैंने बनाई थी लगभग 2 साल पहले। तो इस वीडियो में मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ। और अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो मैं दिखाने वाला हूँ आपको अपनी बनाई हुई, अपने हाथों से बनाई हुई कुछ चीज़ें। सो दोस्तों, ये बनाया था मैंने गुलाब का फूल जो पूरा थर्माकोल से बना हुआ है। और इस पे मैंने अपना फ्रेंड मेरा और मेरे फ्रेंड का नाम मैंने लिखा था। और ये कुछ मैंने जो इसमें मटेरियल लगा था वो कुछ कलर्स थे और कॉकशीट थी, और ये एक कागज़ आता है जिससे मैंने गुलाब की पत्तियाँ बनाई थी। तो ये पूरा थर्माकोल से बना हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं आपको बैक से भी दिखाता हूँ इसका। ये देखिए, पीछे मैंने कलर नहीं किया था। तो ये है पूरा फुल्ली थर्माकोल से बना हुआ। और भी बहुत सारे डिज़ाइन है जो आप थर्माकोल से बना सकते हैं। ये मैंने स्कूल टाइम पे बनाया था, लेकिन मैंने इसको इन वाली पॉलीथीन में करके मतलब अपने रूम में टांग दिया था, तो ये अभी तक सेफ है, यानी सही है। तो इस ये मैंने अपने इन वाली पॉलीथीन में करके डाल दिया था, रख दिया था, तो सही है। और इसके अलावा भी मैंने एक चीज़ और बनाई थी जिस पर मैंने पन्नी नहीं चढ़ाई थी, और उसकी हालत आप देख सकते हैं। ये मैंने 1 साल पहले बनाया था और उस चीज़ को 1 साल बाद बनाया था। तो मैं आपको चलो वो भी दिखा देता हूँ। सो दोस्तों, ये है एक शिप, ये एक शिप है जो पूरा थर्माकोल से बना हुआ है। ये भी मैंने अपने स्कूल टाइम पर बनाया था, और इसको मैंने पन्नी नहीं चढ़ाया था और रख दिया था अपने रूम में। तो इस पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा डस्ट आ गई है, यहाँ पर पूरा गंदा सा हो रहा है। और उसको मैंने पॉलीथीन में करके रखा था, तो वो अभी तक सही है। तो ये देखिए कुछ ऐसा दिखता है। और इसमें मैंने यहाँ पर मोटर लगाई थी जो कि पानी में ये चलता भी था, और अब इसकी मोटरें जो हैं वो हो चुकी हैं ख़राब, तो इसीलिए चल नहीं पाएगा। तो वरना मैं आपको पानी में भी इसका चला करके दिखा था। और यहाँ पर मैंने लगाया था इसका स्विच, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है इसका स्विच। यहाँ से ऑन करने पर ये वाली मोटरें चालू हो जाती थी, और ये शिप जो है वो पानी में तैरने लगता था, काफ़ी तेज़ तैरता था। तो अब फ़िलहाल इसकी मोटर जो है वो ख़राब हो चुकी हैं, लगभग 3 साल पहले ये मैंने बनाया था। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए दिखाई हैं क्योंकि जो हमारे अंदर का बच्चा होता है, एक्चुअली हमें उसे कभी मारना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं ना तो हम बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। हम क्रिएटिव इसलिए बनते हैं क्योंकि बच्चा जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है। सो जब आदमी खुश रहता है तो क्रिएटिविटी अपने आप आ जाती है। तो ऑलवेज़ बी हैप्पी, क्योंकि सिचुएशन जो है वो कभी कभी अप डाउन होती रहती है, तो हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें, क्योंकि मैं आने वाले और भी सही सी एक्चुअली मैं अपना चैनल जो है वो मैं टेक्निकल कैटेगरी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें मिलेंगी। अभी तक मैंने कोई भी वीडियो ऐसा नहीं डाला है जो कि आपके लिए कुछ यूज़फुल उसमें कंटेंट हो, बस ऐसे ही कुछ भी मैं अपलोड कर देता हूँ। तो अब जो मैं सोच रहा हूँ तो वो कुछ अलग सोच रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर मेरी पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आने वाली वीडियो और भी ज़्यादा आपको सही मिलने वाली हैं। तो चलते हैं, गुड बाय।